हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू किसु किचन। आज की मेरी रेसिपी है पालक पनीर। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जा सके। एंड मेरी रेसिपी के बारे में मुझे कमेंट भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। पालक पनीर बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम पालक लिया है और इसको अच्छे से वाश करके कट कर लिया है। दूसरी तरफ मैंने एक पैन में पानी रख दिया था बॉयल होने के लिए। अब मैं इसमें इस पालक को डालूंगी। और इसको 2 मिनट तक इसमें बॉयल होने दूंगी, क्योंकि पालक मेरा फ्रोजन है, इसलिए मैं ज़्यादा देर तक इसमें बॉयल नहीं होने दूँगी, सिर्फ 2 मिनट तक। पालक अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है, अब इसे पानी से बाहर निकालते हैं। पालक को मैंने पानी से बाहर निकाल लिया है, अब इसको कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। फिर मैं इसको मिक्सर ग्राइंड में ग्राइंड करूँगी। मैंने फिर से पैन को गैस पर रख दिया था और गैस का फ्लेम मीडियम रखा था। अब पैन गरम हो चुका है, मैं इसमें तेल डाल रही हूँ। मैंने 1 चम्मच के लगभग में इसमें तेल डाला है। अब मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। मैं इस प्याज को मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करूँगी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा मोटा काटा। अब मैं इसको 2-3 मिनट तक हल्का फ्राई करूँगी। प्याज फ्राई हो चुका है, मुझे इतना ही प्याज को फ्राई करना था, इससे ज़्यादा नहीं करना था, क्योंकि इसको मुझे ग्राइंड करना है। अब इसको भी मैं तेल से बाहर निकाल रही हूँ। प्याज को भी मैंने तेल से सेपरेट कर लिया है। जब ये थोड़ी ठंडा हो जाए तो मैं इसको भी ग्राइंड करूँगी। प्याज जब तक ठंडा हो रहा है तब तक मैं आगे का प्रोसेस शुरू करती हूँ। मैंने यहाँ 250 ग्राम पनीर लिया है। अब मैं जिस तेल में प्याज को फ्राई की थी उसी तेल में इसको भी फ्राई करूंगी। पनीर फ्राई हो चुका है, इसे भी मैं अब अलग कर ले रही हूँ। वैसे तो पालक पनीर में बिना फ्राई किए पनीर भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे फ्राई किया हुआ पनीर ही अच्छा लगता है, क्योंकि कभी कभी फ्राई ना करने से पनीर सब्जी में जाकर टूट जाते हैं। आपको पनीर को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस इसे हल्का फ्राई करना है। पालक पनीर बनाने के लिए मैंने फिर से पैन को गैस पे रख के उसको हीट कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 बड़े चम्मच ऑयल। साथ ही मैं इसमें डालूंगी जीरा। जीरा, तेजपत्ता एंड कुछ खड़े मसाले लाइक छोटी इलायची, दालचीनी एंड लौंग। अब मैं इन मसालों को रोस्ट करूंगी। खड़े मसाले रोस्ट हो चुके हैं, अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर। इसको भी मैं 2 मिनट तक भूनूंगी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गार्लिक जिंजर पेस्ट 1 बड़ा चम्मच। अब मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज जो इसको मैंने पीस के रखा था, सबको फिर से मिला दूँगी। 2 मिनट प्याज जब भून जाएगा तो मैं इसमें गरम मसाले धनिया पाउडर ऐड करूँगी। प्याज को मैंने लो फ्लेम पर 2 मिनट तक एक्स्ट्रा फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 फुल टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर एंड 1 चम्मच गरम मसाला।
फिर से मैं इन सब मसालों को मिक्स करूंगी और इसको 5 मिनट तक भूनूंगी। मसाला अच्छे से भून चुका है, इसमें से तेल बाहर आने लगा है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी नमक। नमक को मैंने पहले इसलिए नहीं डाला क्योंकि नमक डालने से मसाला अच्छे से नहीं भूनता, इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लगभग 2.5 चम्मच नमक। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर, जिसको मैंने ऐसे छोटे छोटे आकार में काट के रखा था। इसको भी मैं 5 मिनट तक पकाऊंगी। टमाटर थोड़े थोड़े पक चुके हैं, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पालक, जिसको मैंने पीस के रखा था। अब इन सबको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और इसको भी मैं 3 से 4 मिनट तक पकाऊंगी। पकाना क्या है, ये तो पक ही चुका है, इसको मैं थोड़ा भूनूंगी। मैंने पालक को मसालों के साथ भून लिया। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पनीर, इसको मैंने ऑलरेडी ही फ्राई कर लिया था। इसको ज़्यादा पकाने का ज़रूरत नहीं है, चाहे मसालों के साथ भूनने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी फ्राई है। बस इसको मैं 2 मिनट तक और इसमें रहने दूंगी, ऐसे पकाऊंगी और फिर मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। मैं इसमें 2 कप पानी डाल रही हूँ। अब मैं इसको ढक कर फिर से 5 to 10 मिनट तक पकाऊंगी ताकि पानी थोड़ा कम हो जाए। मैंने 5 से 7 मिनट तक पकाने के बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और आप देख सकते हैं पालक पनीर बनकर रेडी है। आप देख सकते हैं देखने में कितना टेस्टी लग रहा है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच घी। मैंने इसमें घी ऐड कर दिया है, ये लग रहा है ना देखने में एकदम सा टेस्टी।